आता मित्रांनो आपण बीसीएस कंपनीच्या स्टॉलवरती आलेलो आहे, तर इथं पॉवर टिलर मी पाहिले होते आधी सुरुवातीला, तर पॉवर टिलर तर रेग्युलर प्रत्येक कंपनीचे आपण पाहू शकतो, पण मला एक विशेष गोष्ट याच्यामध्ये दिसली ती म्हणजे हे मशीन। तर हे मशीन ॲक्च्युली पाहू शकता, तर टायरची साईज पाहू शकता, मागच्या टायर साईज पाहू शकता, स्टेअरिंग आहे, लाईट आहे आणि पुढं हार्वेस्टर आहे, तर पाहू शकता। तर हे मशीन जे आहे ते गहू कटिंगचं मशीन आहे आणि गव्हासारखे जे पण पीक आहे ते कटिंगचं मशीन आहे। तर आपण आपल्यासोबत सर आहेत, सरांकडून आपण पूर्णपणे डिटेल जाणून घेऊया। आणि विशेष म्हणजे मित्रांनो हे मशीन घेऊन तुम्ही दिवसाला 10,000 तुम्ही कमवू शकता मित्रांनो, स्वतःचा व्यवसाय सुद्धा रोजगार प्राप्त करू शकता याच्यामध्ये। सर इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। सभी किसान भाइयों का बीसीएस इंडिया में स्वागत है। सभी किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीसीएस इंडिया बीसीएस कंपनी जो है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे अपना रीपर बाइंडर हो गया, पावर वीडर हो गया, सेल्फ प्रिपेयर्ड रीपर हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं रीपर बाइंडर की, जो कि अभी अपना जगराव मेले में किसान मेले में जो लगी है अपना रीपर बाइंडर, फोर व्हील रीपर बाइंडर। ये अपना गेहूं धान काट के बोझा बांधती है अपना, और एक घंटे में ये 1 लीटर डीजल लेती है और 1 एकड़ की कटाई बुनाई करती है। इसमें जो इसकी फीचर है, इसमें जो फोर व्हील रीपर बाइंडर है इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, सेल्फ सिस्टम है, स्टीयरिंग है और छतरी है। इसमें जो अपना फोर व्हील रीपर बाइंडर में जो गियर है, 4 गियर इसमें फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है, हर गियर के बाद में न्यूट्रल है। और जो इसमें इंजन दिया है वो 10 HP का है, डीजल इंजन एयर कूल्ड। ये अपना 1 घंटे में 1 एकड़ काटती है और 1 लीटर डीजल लेती है। जो भी किसान भाई से यूज करते हैं वो अपना दिन का कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट पाते हैं। सर मेंटेनेंस क्या है इसमें, मेंटेनेंस कॉस्ट? मेंटेनेंस सर इसमें ये है कि अपना जैसा अपना बंडल चेंज करते हैं तो उसमें कुछ ग्रीसिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें ग्रीसिंग करना होता है, 1 घंटे या 2 घंटे बाद ग्रीसिंग करते रहो तो उनमें ये अपना बंडल बांधना नहीं छूटेगी। ओके, मतलब मूवेबल जो पार्ट है उसको ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। हाँ। ओके सर, इसमें तो पत्थर की वजह से कुछ डैमेज वगैरह ये होता है क्या? सर कुछ अगर डैमेज भी होता है तो अगर इसका जो ब्लेड है वो सिंगल ब्लेड भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका ब्लेड टूटता है, इसमें रिपीट लगी हुई है, वो ब्लेड निकाल के सिंगल ब्लेड भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो टायर के बाजू में मतलब कुछ कवर नहीं, चेन है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ कवर वगैरह बेल्ट है, तो मान लीजिए कुछ आदमी वगैरह बच्चा वगैरह कुछ? नहीं नहीं सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी उसमें कोई ऐसी शिकायत आई नहीं किसी भी। ओके सर, क्या लागत क्या है इसकी, कॉस्ट क्या है सर? कॉस्ट इसकी सर अलग, जैसा अपना अलग अलग स्टेट में करीब करीब, जैसा कि पंजाब में है अपना 5,25,000 रुपये सर, अगर महाराष्ट्र की बात करें हम लोग इसमें 5,35,000 की, क्योंकि भाड़े का फर्क पड़ता है सर। अच्छा, तो उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसमें, हर स्टेट में करीब करीब 2,50,000 रुपए की सब्सिडी है सर, फोर व्हील रीपर। हर एक गवर्नमेंट में है, महाराष्ट्र में है सर? महाराष्ट्र में आपके डीलर है क्या? महाराष्ट्र में सर हमारा ऑल डीलर नेटवर्क है सर, हमारे जो महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूटर है वो कराड में है, और कराड से ही पूरे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में मशीन सप्लाई होती है सर। ओके, तो नासिक साइड में कुछ आपके? नासिक में सर हमारे लासल गाँव में है, विवेकानंद हाईटेक, अपना जो प्याज मंडी है उसी के सामने है सर। अच्छा, उन्होंने काफी मशीनें बेची भी हैं सर। बेची भी है, महाराष्ट्र में चल रही है मशीनें? महाराष्ट्र में ऑलरेडी मशीनें चल रही है सर। तो मित्रों महाराष्ट्र में मशीन चलता है अजून पाहू शकता। तर गहू कटिंग सर, गहू के साथ कौन सा धान हम काट सकते हैं इसे? गेहूं धान जो जी चावल चावल हाँ चावल वगैरह काट सकते हैं। खाली काट के वो रैप करेगा इसको? वो काट के इसमें क्या है सर, एक अटैचमेंट और लग जाता है, अगर आपने बंडल बांधना है धान का तो बंडल भी मार सकते हैं, नहीं तो रीपर लग जाता है इसमें 6 फीट का, वो काट के लाइन में लगाएगा, पूरा लाइन में लगा सकते हैं, बांधने की भी जरूरत नहीं, बांधने की जरूरत नहीं। अगर बांधने की जरूरत नहीं तो रस्सी का खर्चा जो है हमारा बच जाता है, बच जाएगा जी जी। तब अच्छा, मतलब मान लीजिए हमें छोटे छोटे बंडल करने हैं, गेहूं के छोटे छोटे बंडल करने हैं, तो छोटे छोटे बंडल आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, इसमें एडजस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये आप ये देखिए यहाँ पे सर, एडजस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, उसमें अपना आप जो है बंडल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब स्प्रिंग के टेंशन, हाँ टेंशन कम करेंगे, हाँ तो वो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा सर, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। तो गहू के बंडल तो छोटे खर्च असतात, छोटे बंडल पण होऊ शकता, कारण की गहू काढणं आज हार्वेस्ट बोलून या गोष्टीचा खर्च काय। तर हे मशीन घेऊन मित्रांनो तुम्ही स्वतःचा गहू काढू शकता किंवा दुसऱ्याच्या इथे जाऊन गहू सुद्धा करू शकता, त्या चार्जेस लावू शकता। कमर्शियल मध्ये तुम्ही व्यवसायाच्या पद्धतीमध्ये सुद्धा हे मशीन तुम्ही यूज करू शकता, तर इझी आहे इन्स्टॉलेशन जास्त काही नाही याच्यामध्ये, आणि मेंटेनन्स कॉस्ट सुद्धा कमी आहे। 1 लिटरमध्ये ॲक्च्युली 1 तासामध्ये 1 लिटर डिझेल लागतं याच्यामध्ये, तर
एक बँक खूप खर्च कमी येतो. एक तासामध्ये मित्रांनो, एक तासामध्ये एक लिटर डिझेल लागतं आणि एक तासामध्ये एक कर एक एकरचा एरिया कव्हर होतो. सर इसमें कितना एरिया कितने टाइम में कव्हर होता है? सर ये अपना एक घंटे में एक लीटर डीजल लेती है और एक एकड़ी कटाई बुनाई करती है एक घंटे के अंदर. एक घंटे के अंदर? हाँ, जिसमें करीब करीब मोटा मोटी जो खर्चा आता है किसान का वो आता है 500 रुपए और करीब करीब इसमें जो प्रॉफिट मिलता है किसान को 1000 से 1200 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिलता है. ओके सर, टायर की साइज वगैरह टायर मिलते हैं बाद में? हाँ, ये सब कुछ अपने पास में सर, इसमें अपना सर स्पेयर पार्ट सर्विस वगैरह हर अवेलेबल है हर चीज. सर इसका जो स्पीड है सर, स्पीड कैसा है इसमें? स्पीड सर अगर रोड पर हम लेके चलते हैं तो करीब करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की अवर से चलता है. 14 किलोमीटर? और खराब रास्ते में, खेती वाले रास्ते में अप एंड डाउन जहाँ ट्रैक्टर जा सकता है वहाँ ये मशीन जा सकती है. इसमें क्या सस्पेंशन लगे हुए हैं? सस्पेंशन लगे हुए सर, टायर में सस्पेंशन लगे हुए हैं. हाँ जी, ये सस्पेंशन लगे हुए हैं. ओके, तो सस्पेंशन की वजह से वो फ्लेक्सिबल रहेगा. और बैटरी जो है, बैटरी सेल्फ सिस्टम के लिए, इसमें सेल्फ सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है. ओके, और लाइट वगैरह सीट एडजस्टेबल है इसका? सर सीट एडजस्टेबल है, एलईडी लाइट लगी हुई है. एलईडी लाइट भी लगे काम करने में, रात को भी रात को एलईडी लाइट पाहू शकता मित्रांनो, एलईडी लाइट सुद्धा लावली. सर इसमें क्या फिल्टर आता है? ये एअर क्लीनर है सर. एअर क्लीनर आहे? हां. ओके, एअर क्लीनर आहे. आणि कितने एचपी का मशीन? ये काय ये अपना 10 हॉर्स पावर का है. 10 एचपी का मशीन जी, 10 एचपी मशीन है. सो खर्च मित्रांनो मेंटेनन्स कमी आहे. बाकी स्पेअर पार्ट वगैरह ये सब हम देख रहे हैं, एक डैमेज वगैरह नहीं होगा ना ज्यादा? नहीं नहीं, डैमेज नहीं होगा सर. अगर सर्विस की आवश्यकता पड़ती है किसान को तो हमारी सर्विस डोर टू डोर है सर. हमारा डीलर नेटवर्क जहाँ से मशीन लेगा कस्टमर वहीं से सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी इजिली. अच्छा, घर तक आके सर्विस? हाँ, घर पे आके सर्विस. सर्विस का क्या टाइम कुछ है? टाइम रहता है सर 1 से 2 दिन में के अंदर कवर हो जाता है. ना ना ना, सर्विस कब करनी चाहिए? सर्विस का तो इसमें क्या है, पहली 30 घंटे बाद, उसके बाद फिर 50-50 घंटे बाद इसका मोबिल वगैरह चेंज कर सकता है. अच्छा, सर्विस मतलब खाली इसका ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ेगा और मोबिल जो पार्ट है उसमें ग्रीसिंग होना है? ग्रीसिंग होना चाहिए खाली. तो खाली ऑयल ही चेंज होगा उसका? कार्बोरेटर वगैरह ये सब कुछ होता है इसमें? नहीं, कार्बोरेटर नहीं होता इसमें. अच्छा, खाली ऑयल ही चेंज होता है? ऑयल ही चेंज होगा. तो ऑयल कितना लीटर बैठता है सर इसमें? नहीं, अबाउट उसमें 1.5 लीटर के आसपास रहता है. 1.5 लीटर मतलब 1000-1500 रुपए का? बस बस, 1000 रुपए तक ऑयल खर्चा है. मतलब 2-2500 हम सर्विस कॉस्ट ले सकते हैं? बिल्कुल सर, मतलब अज्यूम कर सकते हैं. जी जी. तो मित्रांनो मशीन पाहू शकता, तर गहू कटिंगचं मशीन आहे. ये मशीन का नाम क्या है सर? फोर व्हील रीपर बाइंडर बोलते हैं सर इसे. फोर व्हील रीपर बाइंडर. रीपर बाइंडर, फोर व्हील रीपर बाइंडर में गहू कटिंग मशीन है. मित्रांनो तुमचा रोजगार तुम्ही प्राप्त करू शकता, रोजगार कमवू शकता, पैसे कमवू शकता. तर 5,35,000 महाराष्ट्रासाठी रेट सांगितलं आहे, त्याच्यामध्ये सबसिडी पण बोलताय की महाराष्ट्रामध्ये सबसिडी असू शकते. तर एन्क्वायरी करा मित्रांनो, नाशिक मध्ये कराड मध्ये डीलर आहेत सर, आपसे कॉन्टॅक्ट करना पड़ेगा तो. मैं सर जो मेरे कुलीग है सरवन चौहान जी, मैं उनका नंबर शेयर करता हूँ जो महाराष्ट्र के मैनेजर है सर. ओके, उनका नंबर हो गया 8283822242. जो भी डीलर इंक्वायरी या कस्टमर इंक्वायरी हो वो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं सर. ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने प्रेक्षकों को. थैंक यू. तो मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब नक्की करा आपल्या चॅनलला. धन्यवाद.